है गाइस एंड वेलकम टू बाई शोर ऑफ 19। और आज का टॉपिक है शुड बारसा ब्रिंग लियो मेसी बैक टू कैंप नू। और इस मुश्किल से सवाल का एक जवाब है और वो है हाँ, हमें मेसी वापस लेना चाहिए। और क्यों चाहिए? क्योंकि देखो भाई, अगर लियो मेसी वापस आता है तो बारसा का राइट फ्लैंक सुधर जाएगा। अभी क्या है, रफीनिया के ऊपर पूरी तरीके से हम डिपेंड है क्योंकि डेम्बेले इंजर्ड पड़ा बैठा है। तो मेसी आएगा तो राइट फ्लैंक सुधर जाएगा पूरी तरीके से, और लेवनडॉस्की के साथ गोल स्कोरिंग में हाथ बटाने वाला कोई और भी मिल जाएगा हमको। लेकिन मुश्किल सा सवाल का एक और मुश्किल सा आंसर यही होता है कि हम मेसी को वापस तो ले आएंगे, लेकिन हम मेसी को रजिस्टर कैसे करेंगे? जी हाँ, रजिस्टर कैसे करेंगे, क्योंकि बार्सिलोना का फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। और उसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले प्लेयर सेल करने पड़ेंगे समर ट्रांसफ़र विंडो में। और वो प्लेयर कौन हो सकते हैं? मे बी आंसू फाटी, एडिक गार्सिया का नाम सुनने में आ रहा है, और फेरान तोरेस को भी नाम हम सुनने में बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो फेरान तोरेस, आंसू फाटी और एरिक गार्सिया, इन तीनों में से मोस्ट प्रोबेबली दो बंदे को तो हम बेचेंगे ही बेचेंगे। रफीनिया को नहीं बेचेंगे क्योंकि ये उसका पहला ही साल है और वो अभी अच्छा करना शुरू कर रहा है। डेम्बेले को, अगर इंजरी क्राइसिस ऐसे ही चलती रही तो शायद डेम्बेले को भी बार्सिलोना बेचने के बारे में सोच सकता है, क्योंकि उसके कॉन्ट्रैक्ट का एक साल बचा होगा इस समर ट्रांसफ़र विंडो को बाद। लेकिन अब हम बात करते हैं कि मेसी को लाने के लिए, देखो भाई, सबसे पहली बात तो यही है कि मेसी का जो सैलरी है वो है 34 मिलियन, ठीक है। और बार्सिलोना में आने के लिए उसको कम से कम अपना आधा सैलरी या फिर समझ लो आधे से भी कम सैलरी में बार्सिलोना के लिए खेलना पड़ेगा। तो ये मेसी के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो आना चाहेगा या नहीं आना चाहेगा। और जहाँ तक रिसेंट सोर्स या रिसेंट जो माहौल है पीएसजी में, उससे तो यही लगता है कि लियो मेसी रिन्यू नहीं करेगा पीएसजी में, वो वापस बार्सा आना चाहता है। जॉन लपोर्टा जो है वो भी उसको वापस से लेना चाहता है टीम में। लेकिन बात वहीं पे अटकती है कि सैलरी कैप के ऊपर, क्योंकि सैलरी कैप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है लालीगा के अंदर। जी हाँ, लालीगा में FFP है, यानी कि फाइनेंशियल फेयर प्ले। उसका मतलब है आपको एक सर्टन सैलरी कैप मेंटेन करना पड़ता है। इसका मतलब अगर मेसी को बार्सिलोना के में रजिस्टर करना है, हाँ फ्री में तो मिल जाएगा क्योंकि फ्री ट्रांसफ़र होगा, लेकिन अगर आपको मेसी को वापस से लाना है उसके लिए मेसी का सैलरी कम करना पड़ेगा, साथ में आपको 1, 2, 3 या मे बी 4 प्लेयर सेल करने पड़ेंगे। और मेसी के रिन्यूअल से एक और चीज़ हो सकता है, वो है सर्जियो बुस्केट्स का रिन्यूअल। जी हाँ, सर्जियो बुस्केट्स का एक और टर्म चल रहा है कि वो एक साल के लिए रिन्यू करेगा, या फिर सॉरी रिन्यू बोल रहा हूँ मैं, एक्सटेंड करेगा, एक साल के लिए एक्सटेंड करेगा अगर लियो मेसी वापस से बार्सिलोना आते हैं। तो ये विन विन सा सिचुएशन हो जाएगा बार्सिलोना के लिए। लेकिन कौन सा टीम होगा जो आंसू फाटी को अभी खरीदना चाहेगा? आप बोलो, 80 मिलियन देके, 70-80 मिलियन देके आंसू फाटी को कौन लेना चाहेगा? क्योंकि सबको पता है, आजकल डेटा सबके पास होता है, सारी टीम्स के पास, कि आंसू फाटी जो है अच्छा प्लेयर है, पेस है, ड्रिबलिंग अच्छी करता है, फिनिशिंग थोड़ा इधर उधर हो जाता है, लेकिन इंजरी प्रोन बहुत है। तो रिस्क कौन लेगा? क्या मैन यूनाइटेड लेगा, सिटी, बायर्न म्यूनिख, कौन से टीम में वो जा सकता है? आप लोग मुझे कमेंट में बताओ। और फेरान तोरेस मैनचेस्टर सिटी में नहीं जाएगा वापस से, क्योंकि पेप गार्डियोला एक बार जिस प्लेयर को ना रिजेक्ट कर देता है या फिर बेच देता है, दोबारा नहीं लेता है, ये हिस्ट्री आप देख सकते हैं उसका। तो फेरान और आंसू का तो ये हो गया कि उनका थोड़ा अनसर्टेन है। एरिक गार्सिया को मोस्ट प्रोबेबली लालीगा के किसी टीम में बेचा जाएगा, और ये सुनने में आ रहा है कि पाब्लो तोरे को ज़्यादा मिनट्स नहीं मिल रहे, इसलिए उसको लोन कर सकते हैं ताकि इन सब के जाने से थोड़ा सा वेज बिल कम हो जाए। और जो प्लेयर्स हमारे ऑलरेडी लोन में है, जैसे क्लेमेंट लॉन्गले वगैरह है, उमटीटी, उनका कॉन्ट्रैक्ट शायद ख़त्म कर दिया जाएगा या फिर उनको फिर से कहीं पर लोन पर भेज दिया जाएगा सैलरी कैप मेंटेन करने के लिए। और इसी तरीके से आप लियो मेसी को वापस से कैंप में ला सकते हो। तो पहला पॉइंट हो गया, लियो मेसी को अपना सैलरी रिड्यूस करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट ये हो जाता है कि हमें अपना प्लेयर थोड़े बेचने पड़ेंगे। और तीसरा हो जाता है कि हैवियर तेवास, भाई हैवियर तेवास बहुत ही गंदा इंसान है, लालीगा का प्रेसिडेंट, अगर वो अपने पे अड़ गया ना, रूल्स चेंज करके ये वो करके वो रजिस्ट्रेशन रुकवा सकता है, जैसे कि हालिया में वो गावी के साथ कर रहा है। तो देखना पड़ता है भाई कि क्या होता है आगे जाके। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको क्या लगता है, क्या लियो मेसी को वापस लाने से बार्सिलोना का प्लेइंग स्टाइल और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और बार्सिलोना और ज़्यादा डोमिनेंट हो जाएगी UCL के लिए अगले सीज़न के लिए। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।